Y anda, estoy. Yo sé también que has. डॉक्टर के लिए देखना चाहिए. कैसा रहा पिछला हफ्ता? मैकेट्स आपकी जो दवाई चेंज की थी, इज इट वर्किंग फॉर यू? इज इट मेकिंग यू लिटिल बेटर? जी, लिटिल बेटर. नाइस. और समीर, आप बताइए, आपके लिए और आप दोनों के लिए पिछला हफ्ता कैसा रहा? जी ठीक था. आई मीन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा. क्या अच्छा चल रहा? क्यों कुछ भी तो अच्छा नहीं चल रहा डॉक्टर, सब वैसे का वैसे ही है. और किसके लिए अच्छा चल रहा है वो मुझे नहीं पता. लोगों की नजरों में तो आप श्री राम का अवतार बन गए हैं, जबकि सीता को बचा कर लिया है. लेकिन मैंने ही सीता जी की तरह फर्क साफ है कि मुझे अपनी अपेक्षा पूरी नहीं पड़ती. सीता जी अपनी अपनी परीक्षा में सफल भी हो गई, लेकिन मैं नहीं. जिस गली, जिस चलाए, जिस मुंह में मैं जाती, हर इंसान जानता है कि मैं ही हूँ जिसका बाहर मुल्क में अपहरण हुआ. पर आप जानते हैं ना क्या हुआ? जानते हैं? तो तीन जॉब्स बदल चुके. वहाँ भी हर इंसान अपनी संगति के साथ मुझे बार बार याद दिलाता है कि मेरा रेप. सारे दिन मेरे दिमाग में घूमते हैं, जब एक बार नहीं कई बार मेरा रेप किया गया. समझ याद है हमने क्या बातें की. आप अपने हालात के दिख नहीं है, आप अपने हालात के फाइटर हैं. सुन, आप थोड़ी देर बाहर वेट करेंगे जैसे मिक्स ऑर्डर कर. भैया भाभी की आपसे मिशन
पता नहीं यार जिंदगी के सपनों ने कब कहाँ साथ छोड़ दिया। सपने तो दूर की बात, एक डिसेंट पेइंग जॉब मिलना इतना मुश्किल हो गया ना। मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन है और मासूम मंडली की जिम्मेदारी, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इसका ख्याल कैसे रखूँ। ट्रेनिंग सेल्समैन हूँ क्या, बच्चों को पूरे देश में साथ लेके घूमता हूँ। इसकी माँ की तरफ से कोई नहीं जो इसका ख्याल रखे, यकीन नहीं होता। मैंने इनके मामा से बात की तो बोला इनके मरने पे यहाँ आ रहे ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सोचा है या तो कोई अनाथ आश्रम, कोई एडॉप्टेशन एजेंसी या फिर कोई एनजीओ, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। पता नहीं वर्क करेगा या नहीं करेगा, अगर तुझे ठीक लगे तो हम नंदनी को अपने पास एक हफ्ते के लिए डाल लेते हैं। सब मेरे की सुन रहे हैं, अगर ट्राई तो करना चाहिए। नरगिस आंटी कौन है? तुम मेरा दोस्त दीपक, इसके भैया पापा की डेथ हो गई थी, उसकी भतीजी है। वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि अभी एक हफ्ते के लिए तो अपने पास रखें, जो शहर की तरफ सभी काम से जाए। कहाँ से जी? मैं सोच रहा था मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तर पर। बिल्कुल नहीं, आपके मम्मी पापा का रुख खाते हैं वहाँ से। अरे वाह आंटी, पता है क्या कह रही है? आंटी कह रही है कि आपको आपके खुद का बड़ा कमरा दे रहे हम लोग। देखा इतना बड़ा कमरा है हुँ? और ये है हमारा बेड। सफाई करनी पड़ेगी पहले। चलो
मिर्चों का खा ले जी। ये आप लोगों का मिर्च वाला खाना तो नहीं खा पाएगी, तो जो लेके आए थे उनसे पूछ। आपको चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा था ये एक हफ्ते के लिए रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहा कि पता नहीं क्या होने लगे, हम इस जिम्मेदारी का तरह नहीं था। अच्छा, यहाँ बैठी हैं आप? ये देखो क्या लाया हूँ मैं आपके लिए। देखा ना, एक और ये अब निकलेगा। को देखकर गुस्सा उस पर नहीं, खुद की किस्मत पर। डॉक्टर, ये बच्ची मेरी होनी चाहिए थी ना। जब समीर से शादी की थी हमने, कुछ अरमान थे हमारे, खुद की फैमिली के, खुद की औलाद के। उस बच्ची को नजरों के सामने छोड़कर हमें नहीं पता हमें क्या महसूस करना चाहिए। हम ठीक से खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे, हम इस बच्ची का क्या। सॉरी डॉक्टर। कोई बात नहीं, सिर्फ टूटी ही तो है। नरगिस, आपको पता है जापनीज अपनी डेली लाइफ में फिलॉसफी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। जब कोई चीज़ टूट जाती है, जैसे कि प्लेट, तो वो उसे फेंकते नहीं। आपको पता है वो क्या करते हैं? वो उसे जोड़ देते हैं सोने से, पीतल से, चांदी से। जापनीज इस फिलॉसफी को किट्सुके कहते हैं। उनका मानना है कि जिंदगी में तकलीफें तो आती है, इंसान को तोड़ देती है, हमारे यकीन को हिला देती है, लेकिन जिंदगी अगर टूटी हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दें। हम उसे जोड़ भी तो सकते, पीस बाय पीस। नंदिनी भी आप ही की तरह टूटी हुई, वो भी एक ट्रॉमा से गुजर रही। शायद ये खुदा का तरीका है दो टूटे हुए लोगों को जोड़ने का। नरगिस, जिंदगी बेशकीमती है, इसे सिर्फ गुजरते नहीं है, इसे जीते हैं अपनी सारी टूटी हुई दरारों के साथ। हम चलते हैं।
बाहर जाना है आपको? चाहिए? नंदिनी भी आप ही की तरह टूटी हुई, वो भी एक ट्रॉमा से गुजर रही है। शायद वो खुदा का तरीका है दूर टूटे हुए लोगों को जोड़ने का। आपको फोन करके परेशान नहीं करना चाहती थी। एक पड़ोसी के कुत्ते ने नंदिनी पे हमला किया आज। वो यहाँ है मेरे पास। गरम चाय हॉट कप है आपके लिए।
शाम को दीपक आने वाला है नंदिनी को ले जाने के लिए। एक हफ्ता हो गया पता नहीं लगा। और एक खुशखबरी की बात है, वो कह रहा था कि एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई जो उसे अडॉप्ट करना चाहती है। शुरू करने खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चे क्यों बढ़ जाएंगे? मेरा मतलब है क्या हम नंदिनी को अडॉप्ट कर सकते हैं? जहाँ तक हमारे पेरेंट्स हैं हम उनको भी पूछ सकते हैं। एंड आई एम श्योर नंदिनी के स्कूल में और मेरे जॉब में मैं टाइम तो मैनेज कर ही पाऊंगी। सर आपको भी यही सही लगे तो हम दोनों को। ये तो नंदिनी से पूछ ले कि वो क्या चाहती है। बेटा हम दोनों आपसे पूछना चाहते थे कि क्या आप हमारे साथ रहना पसंद करोगे? हमेशा थे। कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। हेलो मिस्टर समीर, मिस्टर समीर
मैंने समीर चौधरी मिल भी नहीं, आपने फ़ोन किया था चौधरी जी? समीर जी, हमने इसी को पुलिस पर बुलाया है। ये आइसक्रीम बेचते हैं स्कूल के बाहर, उन्होंने सब कुछ देखा है होते हुए। छोटे बच्चे नहीं देखा था, कहाँ गए? क्या हुआ? वो तीन लड़के गाड़ी में आए थे और एक बड़ी वाली बच्ची थी, वो उसका भाई और माता जी है। जबरदस्ती दोनों बच्चियों को उठा दी, हम बहुत कोशिश किए, हमको कट्टा दिखाए, अरे गोली मार देंगे हाँ, हम साहब को सब बता दिए। गाड़ी का नंबर नहीं, गाड़ी का नंबर नहीं, गाड़ी नहीं, नीले रंग की, आठ नंबर, पहला नंबर आठ था उसका। हमारी आँख भी कुछ कमजोर है, वो मैं साहब को सब बता दिए। समीर चौधरी वो छोटी बच्ची नंदनी का फादर, छोटी बच्ची भी तो है ना। हाँ सर, अजीब बात है, आपकी बेटी को क्यों उठाते हैं समझ नहीं आया। अच्छा आप लोग आइए, हमारे पीछे पहुंचे, वहीं से तफ्तीश करते हैं। चाहता हूँ कि मीडिया कवरेज तुम दे देते उससे। मैंने है ना कल ही चार कितने किस्त के बारे में पढ़ा अखबार में, यही लखनऊ, उनके बारे में तुमने मुझे नहीं बताया, इसमें ऐसा क्या खास? हाई विटनेस भी है यहाँ पे, एक लड़की तो 15 साल की है, दूसरी बच्ची 5 साल की है। 5? कुछ डिटेल्स पता है तो बताओ, कैसे कार का नंबर या कलर वगैरह। मुझे थैंक यू सर, आई विटनेस आई श्री मई ने साफ साफ बताया कि उन्होंने अपनी फ्रेंड बैंक की और स्कूल में 10वीं से 12वीं के लड़के की फ्रेंड बैंक लड़कों के स्कूल से नंबर मांग के उनके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि किसकी पास पूरे की बहन है, एक घंटे में सब चलते हैं। देखिए पूरे शहर में अलर्ट, नाके नाके पे वैन को ढूंढ रही है लोगों के पास, जब तक आप फोन घुमाएंगे उन्होंने वैन धर लिया। सर बल्कि ज़रूरी तो नहीं कि वो वैन रोड पर छुपी भी घूम सकती है, सर ज़रूरी ये कि हम कोई एक्शन लें। आपने क्या नाम बताया था आपने? समीर। मिस्टर समीर, हमने कहा है वायरलेस कैमरा खींचने की कोशिश है, इसे कैसे ट्रैक धीरज? सर आप धीरज रखने के लिए कह रहे हैं, आपको दिख नहीं रही किडनैपिंग की? सर हमें लोगों का काम सुन रहा, सर काम यही सिखा रहा हूँ आपको, काम करने के लिए कह रहा हूँ। आप पब्लिक सर्वेंट हैं ना तो पब्लिक की मदद करिए, इससे पहले मेरे बच्चे को पूछ रहे कुछ तो करिए सर। हाँ बेटा तुम अभी ये लेक्चर यहाँ मत दो। काम कह जाएगा भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जब तक बैठा है कोई एफ आई आर लॉन्च नहीं होगी जब तक 12 घंटे नहीं बीत जाते और हमारी तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती। मेरी बेटी को कुछ हो तो तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। है और क्या तुम्हारा, ऐसे वो धमका रहे हो, चंदा बनाएंगे नहीं सारे। चलिए अब बाहर चलिए प्लीज, वरना गड़बड़ हो जाएगी, बाद में कर जाएंगे। ले जाइए अभी सजिन को।
आपको सॉरी 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 तुम्हें बताने भूल गया आपको। और रात को छोड़ देना उसे, नहीं तो मैं भी अंदर छोड़ा। नीली रंग की वैन थी यहीं से गुजरी है, यहाँ पे रोड पे सीसीटीवी कैमरा है, प्लीज उसकी फुटेज देखिए। भाई साहब आप डरिए पहले पुलिस को, ऐसे कैसे मैं आपको फुटेज दिखा दूँ? इससे हमारा बहुत बहुत खराब कर दिया, उसकी बेटी किसी भी हाल में चाहिए पहुँच करेंगे, अगर आप देते हैं तो उसी के वापस मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक बजे मुझे उनसे अगर चार मिनट लगते हैं एक बच्चे पाँच मिनट ऐसे हुआ ये वाली ये रास्ता तो मलियाबाद जाने वाले रास्ते में मिलता है अरे का शहर से बाहर। हमेशा बड़ी खबर लेकर आते हो, खबर हमें खुद ही देनी पड़ेगी। लगभग 15 साल की हुई, 5 साल की। अब एकदम सच का खेल लौटा लूंगा, रेप करती हूँ दोनों बच्चियों का।
किसी को फोन लगाई। एक पान बना ये तो हाथ धो के बच्चों के साथ भी रखता है अगर जान घबरा के कुछ पक दिए तो बच्चों का हमला कर सकते कुछ टाइम के लिए जब तक ये सब मामला ठंडा नहीं हो जाता उस सबको अपना पास रखिए बच्चों को भी सुरक्षित टाइम का आई विटनेस होने के बावजूद पुलिस ने अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। मैं यानी जनता ये जानना चाहती है कि गोमती नगर थाने की पुलिस अब तक क्यों बैठी अपनी बंगले झांक रही है। क्या इस कांड के पीछे किसी पावरफुल व्यक्ति का बेटा या पोता शामिल है?
हेलो कहाँ है सुअर? भाई वो सुनी वाला एक घंटे से ढूंढ रहे हैं, अल्लाह उसको क्यों नहीं बच्चों साथ में है तो बच को बताओ मैटर्स मारने के लिए भेजे हैं हम चुप चुप तो खाओ अब थोड़ी देर बाद ना पीछे वाले करेंगे रुक ना रास्ते हम आ रहे हैं लेने जरा हरकत की ना तो तुम्हारा दोस्त काट के कुत्ते उतर लगते समझे
کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلطان باجی علی شاہ اسپتال کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اگر دونوں بچیوں کا علاج چل رہا ہے دونوں کی استھتی گمبھیر بتائی جا رہی ہے. Maybe.
नम्र नहीं हो सकता हूं मैं। हाँ, थक जरूर जाता हूं, हार भी जाता हूं कई बार, लेकिन लड़ना पड़ेगा। जैसे राम रावण से लड़े थे, जैसे देशभक्त अंग्रेजों से लड़े थे। सोचिए, ये लड़की, ये बच्ची, ये औरत अगर आपके घर की सदस्य हो तो बदलते चले, कुछ भी नहीं करते। हम अपने अंदर के राम को जगाइए, उनके चरित्र को ढूंढिए अपने अंदर। कमजोर से नम्रता, औरतों और बड़ों की इज्जत, छोटों के साथ धैर्य से पेश आना। थक गया हूं लेकिन हारा नहीं। जय हिंद। जेल में जितने भी कैदी हैं सब अव्वल दर्जे के क्रिमिनल हैं। मैं भी, पर तुम जब कांड करके आए हो, तुम मनगोल जेल के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हो, और तुमने एक पुलिस डिटेक्टिव को उसके घर में घुस कर जब पुलिस वाले ये सब करते हैं तुमसे नफरत। और इनकी शहर में इस जेल का सबसे बड़ा भवन है, तुमने उनको मारना चाहते हैं। देखो ये समझ, जयसवाल के गैंग और मेरे गैंग में एक समझौता है, तो मैं तुम्हारी सामने से भी मदद नहीं कर सकता। हाँ, तुम अपनी मदद कर सकते हो। अगर जयसवाल से बच गए तो राशिद कसाई का एंगल क्या है वो तो हम पता लगवा लेंगे, और अगर जयसवाल को मार दिया तो तुम शेर से रात लगी हो और रास्ता पीठे सब बकाए सभी बाबू। Thank you.
शीला ठाकुर। जी जी जानती हूँ। आए क्या लेंगे आप? चाय दूध बिना शक्कर ठंडा और कच्चा। विद्या से अच्छा अभी बुलाती हूँ। दूध हो गया जी? हाँ जी अभी जाते हैं। बहुत जमा था देखे स्वास्थ्य एक बात कहते हैं तुमका अपना कसम से कहो कि आराम से बैठे खेलना बाहर आने का बाद भी फालतू में केस बेस का चक्कर में ना पड़े जो होना था हो गया अब भूलने का कोशिश करो शांति से जी तुम्हारा लिए भी जरूरी है ना क्यों बिटिया तो गया तुम जो कसम को भी कुछ हो गया एक दिन में अच्छा एक बात एक रोज की हम तो रखी हूँ मुझे रोल नहीं पाई सर और आपके खानदान के लिए और शाह तक बात जरूर की है नहीं कुछ कोई बात नहीं मुझे संभाल जयसाल को जानते थे ना वाली
जयसवाल को इस मामले में अकेले लटका दिया। अभी तुमने नहीं देखा तो मैंने देखा, जो उसके साथ रहने महसूस किया। खाली सुनो, जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए उसे अंजाम की परवाह ना रहे, ऐसे ही मामूली लोग आगे सबसे मामूली होते हैं। कसाई वाले में फौज खड़ी कर रखी है। कसाई अपनी जान देने से पहले और तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचो। सोच लो समीर में, अभी भी वक्त है, कहीं खून खराबा देखो, मन न बदल गया। कहते हैं ना कि जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही गुनाह है। कब जो होगा देखा जाएगा। तो फिर ठीक है, कल मुहर्रम है, सदके हुसैन। बाकी को देना मैंने कुछ नहीं किया।
सब बच्चों का प्लान था। ये झूठ बोल रहे हैं। जब हम तुम्हारा बाबूजी को मारे थे कैसे तुम हमारा हाथ से चाकू छीन लिए तो कहा करते पुलिस का बाहर आ गई थी पक्का है नहीं समय तो 16 में मेरी अम्मा 2 साल का सजा हुआ था तुम्हारा तेज और आशीर्वाद अम्मा चिंता है चौड़े में रहो बच्चुआ हुजूर समीर भाई एसएसपी साहब सर आपका आदमी वो है हुजूर ओके कन्फर्म सर ये आपको ठाकुर की पूरी पत्री सुना देगा उसके जमीन हड़पने के सबूत उसके काले धन के ठिकाने उसके हुक्म पे कराए गए कत्ल इस केस का गवाह बनेगा ये तोहफा है तुम्हारे लिए पूरी रिपोर्ट है विशेश्वर ठाकुर की तीन मिनिस्ट्रियों से क्लियरेंस लिया है सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए विशेश्वर ठाकुर इस टाइम अपने भगोड़े बाप कमलेश ठाकुर के साथ इजिप्ट में है वहां कोई लोकल गैंगस्टर है ताजे भाजी उसकी पनाह में हमारे पास इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इजिप्ट के लिए और कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से दरख्वास्त की है कि इजिप्ट की फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करें अगर हमारी दरख्वास्त मंजूर भी हो जाती है फिर भी पेपर वर्क में
महीने लग जाएंगे, और ये मेरे डिपार्टमेंट के लिए गतिरोध है। तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं है, विशेश्वर वहां है और तुम तीन लोगों को पहले ही उनकी सही जगह पहुंचा चुके हो। सर, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मेरी भी एक बेटी है, छोड़ना मत उसे। समीर भाई, इजिप्ट में वैसे भी कितना बवाल चल रहा है, ऊपर से गैंगस्टर ताबिश हाजी, वे आप दोनों लोग कैसे करोगे? समीर भाई, मैं बाखुदा दिल से बोल रहा हूं, आपको मेरी जूनियर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। और यहां कुछ हो गया तो हमारी फैमिली को कौन प्रोटेक्ट करेगा? मुझे भरोसा है तुम और बदर भाई करोगे। दिस इज अ गुड कैब ड्राइवर, नोज एवरीथिंग अबाउट अ सिटी। या यू आर लुकिंग फॉर अ गन, कैन यू हेल्प अस फाइंड वन? We'll pay you $100. $100? Yeah, for $100. I ride this cab on the Nile like a boat. Yeah, like a boat, yes, man. كان نفسي أعيش في الخير وأبعد بعيد عن الشر، بس أمركم عجيب أيها البشر. شاروخان brother, is every Egyptian's favorite. Do you speak Hindi? No, but I sing Hindi. What do you want, brother? My eyes. I got Uzis. And I got this beauty. M16. Of course, I got the best pistol in the world. The Glock. Here. Brother, how many you want to kill? Whoever comes my way. That's my man. How much for you? For me? To help us out, I mean. $1,000 a day, and I'm all yours. But wait, all the guns I collect from your dead friends, they're mine. I mean. Tamam. You're looking for a man. If I give you his name, can you get me his address? One day, maximum. Deal. Amin. That's your man, Kamlesh. We know his son is in there for sure. They have hired 15 to 20 local boys for their security. Most of the house occupants are up till late. Morning dawn, best time to attack. Catch them off guard. तुम्हें बताना, मर भी सकते हैं आज, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है।
Intamin. Intamin, yo. Intamin. Is this guy here for you both? Yes. He's here for my son.
महसूस करता हूं। सैलेंद्रवा विटनेस बन गया है। एसएसपी आ रहा है अरेस्ट वारंट लेकर। हमारे लोग वहां भी तैयार हैं। घुसने नहीं देंगे साले को। कुछ नहीं, आने दो। बाल तो बना दो हमरा। आइए
आपको और कुछ भी दिखाना है? ये सब कौन है खालू? समीर मियां, ये लखनऊ और मलिहाबाद के नए बाहुबली की सभा है। आपसे मिलने आए ये सब। वो जो हारिस के बगल में खड़े, आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए न्योता देने आए। ये जो साहब खड़े हैं, इनकी 16 साल की बच्ची 9 दिन से लापता है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं।